मेरे इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बेलन पर आधारित मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम लेके आए हैं। इसके पहले हम तीन वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री बेलन पर आधारित सवाल बनवाए हैं। उसको आप निश्चित रूप से देखिए, इसमें लिंक मिल जाएगा। और आज हम पार्ट फोर में कुछ सवाल लाए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश करिए। सबसे पहले देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 में क्या कहा गया है कि 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले चार लंब वृत्ताकार खंभे के चारों ओर 3.5 सेंटीमीटर मोटा बालू सीमेंट का प्लास्टर होता, तो इसमें पूछा क्या गया है। एक नंबर, प्रति खंभा यदि 3 मीटर लंबा हो तो कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, यानी चारों खंभा में। और दूसरा कहा कि मसाला में अगर बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो तो सीमेंट कितना लगेगा, सीमेंट का मात्रा पूछा है। तो मान लीजिए कि यही बेलनाकार खंभा है, ऐसा ऐसा 1, 2, 3, 4 खंभा, ठीक है। अब इसके चारों ओर 3.5 सेंटीमीटर मोटा क्या कर रहा है, इसमें प्लास्टर चढ़ाया जा रहा है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना मसाला इसमें लगेगा, ठीक है, ये चीज हमको निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका व्यास कितना है। तो इसका व्यास यानी हम लिख सकते हैं खंभे का व्यास कितना व्यास दिया है, तो 17.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए खंभे का अर्ध व्यास कितना हो जाएगा, 17.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए कि मसाला जो दिया हुआ है यहां पूछा जा रहा है घन डेसीमीटर में, तो इसको डेसीमीटर में हम बदल लेते हैं, या खंभे का अर्ध व्यास आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 17.5 बटे 20, तब आ गया यहां पर क्या, डेसीमीटर, ठीक है, यानी 10 से डिवाइड कर दिए हैं तो डेसीमीटर में आ गया, इसको बदल दिए। अब दशमलव हटाने पर 175 बटे 200 आ जाएगा, काट लेते हैं इसको, 5 या 15 बचे 25, फिर काट लेते हैं 7, 8, कितना हो गया देख लीजिए, 7/8 डेसीमीटर, ये स्मॉल आर हो गया, ठीक है। अब खंभे का ऊंचाई का जहां तक बात है, यहां पे दिया है प्रति खंभा अगर 3 मीटर लंबा हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखें कि प्लास्टर का मोटाई कितना है, प्लास्टर का मोटाई बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए बाहरी अर्ध व्यास अगर निकालेंगे जिसको कि कैपिटल आर अगर माने, तो बाहरी अर्ध व्यास कितना होगा, तो देखिए सेंटीमीटर पहले कितना था, तो इसका आया था 17.5 डिवाइडेड बाय 2, अब प्लस इसमें 3.5 जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसका बाहरी अर्धव्यास आ जाएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 17.5 बाय 20 अब प्लस 35 बाय 10, ठीक है, इसको काट लेते हैं, 520 15 और इसको भी काट लीजिए, ठीक है, 5 से काट लिए, 35/4 प्लस 7/2 इक्वल टू हो गया 4, 35 प्लस 14 हो गया 49/4 सेंटीमीटर। लेकिन इसको भी हम डेसीमीटर में बदल लेंगे, ठीक है।
इसलिए बाहरी अर्धव्यास अर्धव्यास बराबर कैपिटल आर बराबर कितना हो गया, तो 49 डिवाइडेड बाय 40 कर देते हैं, तब ये हो जाएगा डेसीमीटर। ठीक है, इतना निकाल करके पहले रख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चूंकि खंभा कितना है तो एक नंबर सवाल में आते हैं। खंभा है कहते प्रति खंभा यदि 3 मीटर लंबा हो, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर 3 मीटर बराबर 30 डेसीमीटर, इसको डेसीमीटर में बदल लेते हैं। मतलब ये खंभा ऊंचा कितना है तो सभी 30 डेसीमीटर का खंभा है। ठीक है, अब देखिए इसलिए तीनों खंभों में लगा मसाला मसाला का आयतन, देखिए एक खंभा में अगर लगता है पाई आर स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच, तो तीन खंभा है तो 3 गुना हमको करना पड़ेगा 3 इंटू, देखिए यहाँ पे मसाला का बात हो रहा है, यहाँ पे पूरा खंभा का आयतन का बात नहीं हो रहा है। तो मसाला जो लगेगा ये यही लगेगा, यानी खोखला बेलन का जो सूत्र है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, बराबर 3 इंटू 22/7 और आर के जगह पे देखिए कैपिटल आर के जगह पे आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 40 माइनस, अब स्मॉल आर के जगह पे देखिए यहाँ पे क्या है 7/8, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, 7/8 का भी होल स्क्वायर कर देते हैं और इसके साथ साथ इसका हाइट कितना है तो 30 डेसीमीटर इसका हाइट है, ये बन गया है। अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन करें, 22/7 इसको 49 इंटू 49 कर देते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा तीनों खंभों में लगा, मतलब यहां 4 खंभा है इसलिए चारों खंभों में लगा मसाला का आयतन, यहां पे हम 4 दे देते हैं क्योंकि 4 खंभा है इसलिए यहां पे 4 हम दे देते हैं। अब देखिए 4 गुना 22/7 और इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 1600 हुआ, 2401 इसको मल्टीप्लाई कर लिए हैं माइनस, अब 64 से अगर डिवाइड करते तो 25 आता है और 25 को फिर 49 से मल्टीप्लाई करें तो 1225 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं 22/7, अब इसको माइनस यहां पे किए हैं, देखिए 1176 आया है, 1176 लिख देते हैं, 1600 लिख देते हैं, 30 काट दें 0 0, 4 चौक 16 40, अब इसको काटे 20, इसको काट दिया 11 और इसको चूंकि 7 से काट देते हैं, 7 कम 7 46 7 56 कट गया ना। उसके बाद एक बार और काट लेते हैं इसको 4 से, 4 5 20 और यहां पे आ जाएगा, या इसको एक कम करिए 4 से नहीं काट करके इसको हम काट देते हैं 4 5 20 4 4 16 4 2 8। ठीक है, बराबर 11 इंटू 42 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 11 इंटू 3 33 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 से 6 6 1 2 6 8 3 1 1 3 8 6 डिवाइडेड बाय 5, 5 से अगर हम डिवाइड दे देते हैं इसको 10 135 135 135 5 2 10, देखिए आ गया 277.2 घन डेसीमीटर। तो इतना डेसीमीटर यहां पे चारों खंभा में मसाला लगेगा, लेकिन इसमें एक चीज और देखिए,
इसमें दो नंबर का सवाल में देखिए क्या कहा जा रहा है। दो नंबर सवाल में, इसी में दो नंबर सवाल दिया, ये तो पहला हुआ कि कितना घन डेसीमीटर मसाला इसमें लगेगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया है 277.2 घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, ये एक आंसर है। दूसरा में देखिए यहाँ पे मसाला में अगर बालू और सीमेंट 4:1 में हो तो सीमेंट कितना लगेगा, तो यहाँ देखिए दो नंबर में सीमेंट अनुपात बालू, पहले बालू दिया है, बालू अनुपात सीमेंट कितना दिया है 4:1, ठीक, अनुपातिक योग योग बराबर 4+1=5, इसलिए सीमेंट का आयतन निकालें, सीमेंट का आयतन बराबर क्या होगा बोलिए 1/5 × 277.2, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए 277.2/5, 25 और फिर आएगा 22 × 5 = 20, घन डेसीमीटर, तो दो आंसर इसका आया, एक चारों खंभा में कितना मसाला लगेगा और इस मसाला में सीमेंट का मात्रा कितना होगा, तो यह आंसर। अब है 18 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 18 नंबर में क्या कहा गया कि 16 सेंटीमीटर बाहरी व्यास तथा 12 सेंटीमीटर भीतरी व्यास के 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक खोखले बेलन को गला करके 2 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने ठोस बेलन बनाए जा सकते हैं, तो इसका मतलब बड़ा बेलन का जो आयतन होगा, ठीक है, ये लेकिन क्या है, खोखला बेलन है, ठीक है, खोखला बेलन है, तो खोखला बेलन का आयतन बराबर छोटे छोटे जितने भी बेलन बनाए हैं ठोस बेलन उसके आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले खोखले बेलन हम यहां पे लिखते हैं, खोखले बेलन का बाहरी अर्धव्यास, तो देख लीजिए बाहरी अर्धव्यास कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक, बाहरी व्यास, इसलिए खोखले बेलन का बाहरी अर्धव्यास आधा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, खोखले बेलन का भीतरी व्यास कितना है पढ़ लीजिए, भीतरी व्यास 12 सेंटीमीटर, इसलिए भीतरी अर्धव्यास, अच्छा बाहरी है तो इसको कैपिटल आर लिख लीजिए और भीतरी है तो स्मॉल आर लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई बड़ा बड़ा वाला बेलन जो खोखला बेलन है उसका ऊंचाई h बराबर 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब छोटे बेलन के लिए चले आते हैं, छोटे बेलन के लिए बोलिए इसका बाहरी, एक मिनट, इसका क्या क्या दिया है, व्यास, व्यास d बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धव्यास इसका ले लीजिए, अर्धव्यास कैपिटल स्मॉल r बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, ऊंचाई इसका कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी h बराबर इसका 6 सेंटीमीटर। तो देखिए चूंकि ये खोखला बेलन का जो आयतन है, ये जितने भी छोटे बेलन बने हैं उन छोटे बेलनों के टोटल आयतन के बराबर खोखले बेलन का आयतन होगा, तो यहां पे लिखेंगे माना कि खोखले बेलन को गलाकर x बेलन बनाया गया, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो पूछा गया है वो कह रहा है कि कितने बेलन बनाए गए हैं, है ना, यहां पे लिखा है कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, तो मान लिया x बेलन बनाए जा सकते हैं, तो चूंकि x मल्टीप्लाई एक छोटे बेलन का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन, ध्यान से देखिए ये समझ में आ गया। अब देखिए x इंटू एक छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h, तो देखिए हम डायरेक्ट बैठा देते हैं पाई आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर
इंटू एच बराबर खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई पाई एच, एच की जगह पे हम ऊपर से ले लेते हैं, एच कहाँ है इसका, एच बराबर एच है 12 सेंटीमीटर, इसका बाहरी एच है 36, तो इसको हम 36 ले लेते हैं, 36 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ही देते हैं, ठीक है। अब पाई पाई काट लीजिए इसका, 6 को भी काट लीजिए, 36 एक का होल स्क्वायर को का तो कुछ मान है नहीं, तो x बराबर निकल के आया है 6 इंटू 64 माइनस 36, ये निकल के आया है, या x इज इक्वल टू 6 इंटू 14 में 6 जाएगा 8, ये बच गया है 5 2, या x इज इक्वल टू 48 4 12 4 16 168, तो 168 छोटे छोटे बेलन बन जाएंगे, अतः बेलन की संख्या बराबर 168 और यही क्या हो गया आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 19, अब ये सवाल नंबर 19 में ए का वन देखिए, ए का वन इसमें क्या कर रहा है, दो लंब वृत्ताकार ठोस बेलन का अर्धव्यास का अनुपात दिया 2:3 और ऊंचाई का अनुपात दिया 5:3, तो इसके वक्र तल का अनुपात एवं आयतन का अनुपात निकालो, ठीक है। तो पहले वक्र तल का निकाल लेते हैं फिर आयतन का, उसके पहले देखिए ये जो बेलन है इसका क्या क्या दिया हुआ है, ये देख लीजिए दो बेलन है इस तरह का, ठीक है। अब इस बेलन में अर्धव्यास का अनुपात दिया है 2R और 3R, देखिए यहाँ पे 2:3 है तो इसको 2R लिख लेते हैं, इसको 3R लिख लेते हैं, ठीक है। अर्धव्यास ये हुआ अर्धव्यास, ठीक है। अच्छा ऊंचाई क्या है इसका, तो ऊंचाई का अनुपात देखिए यहाँ पे क्या है 5:3, यानी ऊंचाई अगर हम इसका 5H मानेंगे तो इसका ऊंचाई कितना होगा 3H, तो इस तरह से शॉर्ट सवाल है इसलिए बहुत ज्यादा इसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से हम दिखा देंगे फिगर में, अब फिगर में दिखा करके हम इसका डायरेक्ट निकालेंगे, इसलिए बोलिए क्या निकालना है, पहले पहला बोला वक्र तल का अनुपात, तो प्रथम बेलन का वक्र तल, ये फर्स्ट बेलन है और ये सेकेंड बेलन है, ठीक है, वक्र तल अनुपात दूसरा बेलन का वक्र तल, तो चलिए इसका अगर वक्र तल निकालने जाएंगे तो 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर, आर के जगह पे 2R और एच के जगह पे 5H, अनुपात दूसरा बेलन का अगर हम निकालने जाएंगे तो 2 पाई आर एच, तो यहां पे 3R होगा और एच के जगह पे 3H हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो जो कटता है काट लीजिए दोनों तरफ, कट सकता है ऐसा, पाए पाए भी काट लेंगे, टू टू भी काट लेंगे, ये आया 10 अनुपात इधर आया 9, तो ये जो अनुपात आया यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो पहला का जो पूछा है कि बेलन का वक्र तल और दूसरा बेलन का वक्र तल का अनुपात, प्रथम और दूसरा का अनुपात क्या है, ये निकल के आ गया। अब देखिए इसी में एक चीज और हम जोड़ दिए हैं कि आयतन का अनुपात निकाल, अब चलते हैं प्रथम, ध्यान से देखिए प्रथम बेलन का आयतन अनुपात दूसरा बेलन का आयतन, देखिए बाकी सभी सेम है जैसे है वैसे ही है लेकिन आयतन का अनुपात निकालना है। अब देखिए आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर यानी 2R का होल स्क्वायर आई इंटू एच, एच यानी 5H और इसका पाई आर स्क्वायर यानी 3R का होल स्क्वायर इंटू 3H, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, पाई 4R स्क्वायर इंटू 5H, अब पाई 9R स्क्वायर इंटू 3H, अब इसमें जो कटेगा काट लीजिए इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं, ये कितना है 4 है और यहाँ पे कितना है 3 है, कटेगा नहीं, या अब यहाँ पे अच्छा R स्क्वायर काट लेते हैं 20 आता है और यहाँ पे 27 आता है, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आयतन का अनुपात कहा तो यही सेम चीज में यहाँ पे आया है 20:27 और वक्र तल में आया है 10:9। अब देखिए सवाल नंबर 19 का
पी। देखिए दो लंब वृत्ताकार ठोस बेलन का आयतन समान, तो आयतन समान है चाहे जैसा भी हो, इसका आयतन दोनों का समान है, यानी भी इसका भी भी है तो इसका भी भी है, आयतन समान है। चलिए परंतु ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। अच्छा ऊंचाई इसका जो दिया है, ऊंचाई का अनुपात बोला 1:2, यानी ये h है तो ये क्या है 2h है, ये ऊंचाई का अनुपात। ठीक, तो अर्ध व्यास का अनुपात निकालो। इसका अर्ध व्यास का अनुपात बोला है तो r1 और इसका मान लो कि r2 हम अर्ध व्यास इसका मान लिए। ठीक है, अर्ध व्यास इसका r1 है, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको अर्ध व्यास r1, चलिए इसी को बना देते हैं, ये r1 है और ये r2। ठीक है, और आयतन दोनों का क्या है समान है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये फर्स्ट बेलन है, ये सेकंड बेलन, फर्स्ट बेलन का आयतन बराबर सेकंड बेलन का आयतन। ठीक, अब इसका आयतन देखें क्या होता है, पाई r1 का होल स्क्वायर इंटू h बराबर सेकंड का क्या होता है पाई r2 का होल स्क्वायर इंटू 2h। ठीक, अब इसमें जो कटता है काट लेते हैं, r1 बटे r2 का होल स्क्वायर इस तरह से हम कर देते हैं और यहाँ पे 2h बटे h कर देते हैं, h कट गया। हमको यहाँ पे निकालना क्या है, r1 बटे r2 बराबर अंडर रूट 2/1 या r1 अनुपात r2 बराबर रूट 2/1। तो इसका r1 r2 का अनुपात निकल के कितना आ गया, यानी इसका अर्धव्यास और इसका अर्धव्यास का अनुपात आ गया रूट 2/1। अब देखिए 19 का 4 नंबर, इसमें क्या कहा, 19 का 1 का 4 नंबर, ये सब एक का। देखिए यदि एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास आधा और ऊंचाई 2 गुना कर दिया जाए तो बेलन का आयतन पहले की अपेक्षा क्या होगा। तो अगर मान लो कि, मान लीजिए कि ये बेलन जो है इसका ऊंचाई h है, इसका अर्धव्यास r है, पहला वाला बेलन, पहली स्थिति में बेलन का आयतन कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पहली स्थिति में। अब यहां कह रहा है कि बेलन का आयतन, बेलन का अर्धव्यास आधा कर दिया, तो अब दूसरी स्थिति में अगर हम चलें, दूसरी स्थिति में तो अर्धव्यास क्या किया गया है, अर्धव्यास बराबर आधा कर दिया गया है, यानी r बटे 2 कर दिया गया। ठीक है, इकाई। अच्छा ऊंचाई 2 गुना कर दिया है, ऊंचाई हो गया 2h। तो अब कह रहा है तो बेलन का आयतन पहले की अपेक्षा का, तो आयतन अब निकालते हैं, आयतन बराबर पाई r के जगह पे r बटे 2 का होल स्क्वायर कर दें और 2h कर दें, बराबर पाई r स्क्वायर बटे 4 इंटू 2h, 2 कट जाएगा, बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको देख के आपको कैसा लग रहा, इसको देख के लग रहा है कि प्रारंभिक जो बेलन है उसका आयतन ये है और जो नेक्स्ट वाला बेलन है उसका आयतन 1/2, यानी लिखेंगे अतः दूसरी स्थिति में बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और यही आंसर। अब देखिए 19 का ए का 5 नंबर का सवाल, इसमें क्या कहा जा रहा है पढ़िए, यदि एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास दुगना और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो वक्र तल का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा क्या हो, इस पर वक्र तल का क्षेत्रफल बोला है। तो चलिए ये पहला वाला है स्थिति R और H, तो वक्र तल का क्षेत्रफल किसका, बेलन का वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 2πRH। ठीक, अब दूसरी स्थिति में क्या कहा गया है, दूसरी स्थिति में अर्धव्यास क्या किया गया है, अर्धव्यास को क्या कर दिया गया, अर्धव्यास को दुगना कर दिया गया है, तो अर्धव्यास बराबर 2R हो जाएगा,
तथा ऊंचाई को आधा कर दिया गया है, ऊंचाई बराबर एच बराबर एच बटे टू, ऊंचाई को आधा कर दिया गया। तो कहता है तो वक्र तल का क्षेत्र पहले की अपेक्षा क्या होगा, इस बार देखते हैं वक्र तल क्या होता है। वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, आर तो यहां 2r और एच के जगह पे एच बटे टू, टू टू कैंसिल और आया 2 पाई आर एच। अब बताइए इसमें और इसमें क्या कोई अंतर है, बिल्कुल नहीं है, तो लिख देंगे अतः दूसरी स्थिति में बेलन का वक्र तल का क्षेत्रफल पहले पहले बेलन के समान होगा। और अब आइए 19 का बी। कुछ कुछ सवाल ही छोड़े हैं जो बहुत हल्का सवाल था, लेकिन अभी देखिए बी का 2 नंबर। एक लंब वृत्ताकार बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो इसमें सबसे बड़ा रखे जाने वाला डंडा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए बेलन अगर है तो इसमें सबसे लंबा डंडा जो हम लोग रख पाएंगे वो कैसे रख पाएंगे, देखिए ये सबसे लंबा डंडा हम रख पाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका जो व्यास है, ये यहां से यहां तक इसको व्यास कहते हैं, तो इसका व्यास कितना है, इसका हाइट कितना है। तो h बराबर देखिए इसका क्या दिया है कि एक लंबे टका बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर, चलिए ये 3 सेंटीमीटर व्यास हो गया, और इसका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला 4 सेंटीमीटर हो गया, इसका हाइट h बराबर, ठीक है। तो अब देखिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाता है, और पाइथागोरस के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जो कर्ण होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो चित्रानुसार ए बी सी अगर हम इसको देखें, चित्रानुसार ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए सी का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी का होल स्क्वायर ए बी बराबर अगर निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे 16 प्लस 9, ए बी बराबर अगर निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, या ए बी बराबर हो जाएगा 5। अतः इस बेलनाकार बर्तन में रखे सबसे लंबा डंडा की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए 5 सेंटीमीटर हो गया इसका। अब देखिए 19 के बी का थर्ड नंबर सवाल, 19 का बी का थर्ड नंबर सवाल, इसमें देखिए क्या कर, यदि बेलन का आयतन तथा वक्र तल का संख्यात्मक मान समान हो जाए तो व्यास की लंबाई निकालो। माना कि बेलन का अर्धव्यास बराबर आर, ठीक है, बराबर आर, आर निकालेंगे तो व्यास भी निकल जाएगा। प्रश्नानुसार बेलन का आयतन बराबर क्या दिया है, बेलन का आयतन और वक्र तल का संख्यात्मक मान, तो बेलन का वक्र तल का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र तल का क्षेत्रफल, ये दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, तो सूत्र हम इसका बैठा सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इसमें जो जो कटता है काट लेते हैं, इस तरह से पाई पाई भी कट जाएगा, या आर बराबर 2, अतः आर जब 2 आया तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास बराबर 2 × 2 बराबर 4 इकाई लिखेंगे, तो इसलिए इसका व्यास जो है 4 इकाई हो जाए। अब देखिए 20 का सेकेंड नंबर सवाल देखिए, एक नंबर बहुत आसान है, पहले बना चुके हैं इसलिए एक नंबर छोड़े हैं, अब सेकेंड नंबर देखिए। एक बेलन का वक्र तल का क्षेत्रफल सी है, ठीक है, यहां लिखें दिया गया बेलन का वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया सी। अब वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच बराबर सी, फिलहाल रहने दीजिए,
अच्छा, उसके बाद कहा कि अर्धव्यास आर है और आयतन भी, तो आयतन आयतन बराबर भी, या आयतन का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर भी, ठीक है। तो अब यहां पे कह रहा है कि सी आर बटे भी का मान निकाले, सी आर बटे भी, या देखो इसका मान निकाले, तो इसको अगर समीकरण एक माने, इसको समीकरण दो माने, तो समीकरण एक में दो से क्या करें भाग दे दें, भाग देने पर देखिए भाग देने से क्या क्या आता है, टू पाई आर एच डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एच बराबर सी बटे भी आएगा, जो कटेगा काट लीजिए, क्या आया टू बटे आर बराबर सी बटे भी, क्रॉस गुना कर लीजिए तो टू भी बराबर सी आर, इसलिए भी बराबर सी आर, एक मिनट, सी आर बराबर टू भी या सी आर बटे भी बराबर टू, अतः सी आर बटे भी बराबर टू इकाई, और यही क्या हो गया इसका आंसर। अब देखिए बीस का तीन, एक बेलन का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, वक्र तल का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आयतन निकाल। प्रश्नानुसार बेलन का ऊंचाई बराबर h बराबर 14 सेंटीमीटर, वक्र तल का क्षेत्रफल, वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर 264 वर्ग सेंटीमीटर, वक्र तल का क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर एच बराबर 264 या 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर इंटू 14 बराबर 264, इससे हमको आर निकल जाएगा, 7 में 14, 2 से काट लीजिए 1 3 2 फिर 2 से काट लीजिए 2 6 12 2 6 12 22 13, तो आर बराबर 3 निकाल, ठीक है आर बराबर निकला। लेकिन अब यहाँ पे कहा क्या है इसमें थोड़ा देख लीजिए, तो आयतन निकालो, आयतन, इसलिए बेलन का आयतन, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई के जगह पे 22 बटे 7, आर के जगह पे बैठा देंगे 3 का होल स्क्वायर और एच के जगह पे 14 बैठा देंगे, 22 × 9 × 2 22 × 18 3 96 यानी 396 घन सेंटीमीटर, और यही क्या हुआ बेलन का आयतन। अब देखिए 20 का फॉर्मूला, दो बेलन के ऊंचाई का अनुपात दिया, मान लिया जाए ये बेलन है, अब ये दोनों बेलन जो है इसका ऊंचाई का अनुपात दिया है, ये h है तो ये 2h है ना, ऊंचाई का अनुपात है। अच्छा और क्या है परिधि का अनुपात, परिधि ये होता है यानी 2 पाई r1 अगर करें और ये 2 पाई r2 करें तो ये दोनों का अनुपात क्या दिया है 3:4 दिया है परिधि, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि आयतन का अनुपात निकालो, तो आयतन का अनुपात निकालेंगे, तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई r1 डिवाइडेड बाय 2 पाई r2 बराबर 3/4, इसको काट लेते हैं R1 बटे R2 बराबर 3/4 और R1 बराबर अगर 3R करें तो R2 बराबर हो जाएगा 4R, ठीक है। अब आयतन का अनुपात निकाल लें इसका, इसलिए आयतन का अनुपात, तो पहला का आयतन होगा पाई R1 का होल स्क्वायर इंटू एच और दूसरा का होगा पाई R2 का होल स्क्वायर इंटू 2H, क्योंकि इसका ऊंचाई 2H है, इसका ऊंचाई H है, पाई पाई काट लेते हैं
अच्छा आर वन के जहाँ पे थ्री आर भी बैठा देते हैं, तो थ्री आर का होल स्क्वायर एच एच काट देते हैं, ठीक है। अनुपात आर टू के जगह पे बैठा देते हैं फोर आर का होल स्क्वायर इंटू टू, ठीक है। अब जो अनुपात इससे निकल रहा है वही होगा, यहाँ देखिए नाइन आर स्क्वायर और इधर आ जाएगा चार सौ सोलह दो बत्तीस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे बराबर आएगा नाइन इज टू थर्टी टू। तो ये जो आंसर आया है नाइन इज टू थर्टी टू, यही इसका क्या है आंसर है कि इसका आयतन का अनुपात होगा नाइन इज टू थर्टी टू। अब देखिए लास्ट सवाल, और ये बेलन का लास्ट सवाल है, आज बेलन खत्म होने जा रहा है बेलन, अब नेक्स्ट जो है दूसरा हम चैप्टर शुरू करेंगे। यहां देखो यहां दिया है कि बेलन का अर्धव्यास 50 प्रतिशत कम कर दिया गया है, ऊंचाई 50 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, तो जो बेलन का आयतन कितना प्रतिशत घट जाएगा। तो पहली स्थिति में बेलन का आयतन अगर मान लिया जाए ये बेलन है, अभी इसमें घटाया बढ़ाया कुछ नहीं, इसका आर होता है एच होता है, तो इसका बेलन का आयतन अगर हम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, दूसरी स्थिति में इसमें क्या क्या किया जा रहा है, 50% अर्धव्यास को कम कर दिया जा रहा है, तो अर्धव्यास बराबर आर बराबर 50% अगर कम कर दिया जाए तो आर माइनस आर का 50/100, ठीक है। इसको काट लेते हैं आता है आर माइनस आर बटे टू, ठीक है, इनका जोड़ करते हैं इसका आता है टू आर माइनस आर बराबर आर बटे टू, ठीक है। लेकिन अब यहां कह रहा ऊंचाई क्या किया है, तो ऊंचाई को इसको बढ़ा दिया जा रहा है, कितना 50% बढ़ा दिया जाता है, एच प्लस एच का 50/100 बढ़ा दिया गया है इसका, एच को 50 काट देते हैं, एच प्लस एच बटे टू, टू एच प्लस एच बटे टू बराबर थ्री एच बटे टू, तो ये इसका ऊंचाई बढ़ गया है। अब जो नया है दूसरी स्थिति में नया बेलन का अगर हम आयतन देखेंगे, इसलिए नया बेलन का आयतन क्या होगा, तो पाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो यानी आर बटे टू का होल स्क्वायर यहां पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, आई इंटू थ्री एच बटे टू करना पड़ेगा। अब नया बेलन का आयतन क्या निकल करके आता है, देखिए पाय आर स्क्वायर बटे फोर, आर स्क्वायर बटे फोर इंटू थ्री एच बटे टू, तो नहीं कटेगा बराबर, इसको कर लीजिए थ्री बाय एट पाय आर स्क्वायर एच। तो देखिए ये नया बेलन का आयतन हुआ। अब ये जो नया बेलन का आयतन हुआ ये बेलन पहले की अपेक्षा कम है या ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि पहला तो आयतन ये है लेकिन ये दूसरा वाला आयतन ये है, तो ये देखने से पता चल रहा है कि वो थ्री बाय एट पार्ट है यानी कम, तो लिखेंगे इसलिए आयतन में कमी होगा, तो कमी कितना होगा पाय आर स्क्वायर एच और माइनस थ्री बटे एट पाय आर स्क्वायर एच, ये कमी बता देगा कि कितना कमी होगा, एट पाय आर स्क्वायर एच माइनस थ्री पाय आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो गया फाइव पाय आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय एट, ये क्या है ये कमी। अब कमी का परसेंटेज कितना होगा, इसलिए प्रतिशत कमी, तो देखिए प्रतिशत कमी जो होता है वो क्या होता है, पहले जितना कमी है उसको लिख लीजिए मल्टीप्लाई 100 और प्रारंभिक आयतन जो है उसको लिख लीजिए पाय आर स्क्वायर एच, इसको काट लेते हैं और इसको काट दिए चार दूनी आठ पच्चीस चौक सौ आया है 125 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 62.1 62 हाफ, यानी 62.2% ये क्या होगा इसका आयतन घट जाएगा, लिख देंगे अतः आयतन में कमी प्रतिशत बराबर 62 और यही आंसर। तो इस तरह से हम देखें आज बेलन का सारा कंप्लीट हो गया सवाल, आप अगर और भी कुछ सवाल जानना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो निश्चित रूप से जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए और बाकी शेयर और लाइक भी करिए। थैंक यू।